नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल में। मैं हूं ऋतिक और आज बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना में स्थित अगम कुआं और शीतला माता के मंदिर के बारे में। अगम कुआं और इसी के साथ माता शीतला का मंदिर कई चमत्कारों और रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। आपको बता दें कि अगम कुआं और शीतला माता का मंदिर का रिश्ता मगध सम्राट अशोक के काल से है। इस मंदिर में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार की धरती में कई राज दफन हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में स्थित अगम कुआं और शीतला माता के मंदिर के बारे में। ये जगह महान सम्राट अशोक के काल से है और तब से लेकर आज तक इसके रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। रहस्य क्या है यहां का रहस्य? ये कैसी जगह है जहां जाकर लोगों के मन में सवाल खड़े हो जाते हैं? सबसे पहले हम आपको यहां के रहस्य के बारे में बताते हैं। सम्राट अशोक के काल से इस कुएं का धार्मिक महत्व रहा है, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं और रहस्य भी हैं। जैसे इस कुएं का पानी कभी सूखता क्यों नहीं? क्या यहां महान सम्राट अशोक का खजाना दबा था? और एक ऐसा रहस्यमय सवाल कि क्या अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनके शव को इस कुएं में फेंका था? अब आपको इस कुएं की विशेषता के बारे में बताते हैं। इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी से पूर्व में की गई थी। इस रहस्यमय कुएं की खासियत यह है कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखता। इसकी खुदाई से लेकर अब तक इस कुएं का पानी जस का तस है। यही नहीं, पटना के लोगों का कहना है कि इस कुएं में पानी का रंग बदलता रहता है। वहीं पुरातत्व विभाग का कहना है कि इस कुएं की गहराई तकरीबन 105 फीट है और इसकी गहराई को देखते हुए ही इसका नाम अगम कुआं पड़ा है। अब आपको बताते हैं यहां के सबसे बड़े रहस्य के बारे में कि क्या सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर उनका शव इस कुएं में फेंका था। मान्यता यह है कि अशोक ने मगध सम्राट बनने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या कर उनकी लाशों को इस कुएं में फेंकवाया था। वहीं इस घटना का वर्णन उस वक्त के चीनी यात्रियों ने भी अपने किताब में किया है। यही नहीं, इस किताब के मुताबिक सम्राट अशोक अपने दुश्मनों को मारकर उनकी लाशों को भी इस कुएं में फेंकवाते थे। अब बताते हैं आपको शीतला माता के मंदिर के बारे में। इस विचित्र कुएं के ठीक आगे में माता का विशाल मंदिर मौजूद है। वहां के लोगों के मुताबिक जो भी भक्त माता के दर्शन करने से पहले इस कुएं के पानी से नहाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रोजाना यहां दूर दूर से लाखों भक्त आते हैं। इस मंदिर में मौजूद ये कुआं लोगों को यहां आने के लिए और भी आकर्षित करता है। तो ये थी पटना में स्थित अगम कुआं और शीतला माता मंदिर के बारे में हमारी रिपोर्ट। बिहार और भारत के कई अन्य राज्यों में ऐसी तमाम रहस्यमय चीजें हैं जिनसे आज भी पर्दा नहीं उठाया गया है। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। नमस्कार।